हमीरपुर जिला के बाशिंदों के लिए खुशखबरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक वैन में लोग अब सफर कर सकेंगे। जिला में ये पहली बार HRTC डिपो में कदम उठाया गया है, जिसके चलते उत्सर्जन मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल वाहन सड़कों पर दौड़ेंगे। जानकारी के अनुसार HRTC डिपो हमीरपुर में दो इलेक्ट्रिकल वैन शामिल हो गई है। एक बार चार्ज करने पर इलेक्ट्रिक वैन 120 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। यही नहीं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसे सड़कों पर दौड़ाया जा सकेगा। यात्री जल्द ही कम किराए में इलेक्ट्रिक वैन में घूमने का लुत्फ उठा सकेंगे। वैन में ना तो क्लच है और ना ही डीजल व पेट्रोल का झंझट है, ये सिर्फ बैटरी चार्ज से ही स्टार्ट होगी। बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक शून्य उत्सर्जन वाली महिंद्रा ई सुपो यात्री वैन वाहनों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में ऑल इलेक्ट्रिक परिवहन प्रणाली को अपनाने की दिशा में ये पहला कदम है। यात्रियों को वैन में 10 किलोमीटर का ₹10 किराया देना होगा। यही नहीं, 10 से 15 किलोमीटर किराया ₹15 निर्धारित किया गया है। अगर यात्री 15 किलोमीटर से अधिक सफर तय करते हैं तो यात्रियों को ₹20 अदा करने होंगे, जबकि 20 किलोमीटर से अधिक सफर पर यात्री से ₹1 प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लिया जाएगा। हमीरपुर HRTC के आरंभ अनूप राणा ने बताया कि इलेक्ट्रिक वैन के पहुंच जाने से अब लोगों को सस्ता सफर करने को मिलेगा और वैन की सुविधा लोगों को जल्द ही मुहैया करवाई जाएगी। गौरतलब है कि इलेक्ट्रिक वैन से सबसे ज्यादा लाभ लोकल लोगों को मिलेगा और ये वाहन NIT बड़ू दुसड़का बल पक्का भरो के अलावा आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में लोगों को सेवा देगी। अभी तो आधार संहिता लगी हुई है, अगले महीने 20 के बाद ही ये चलेगी और 7+1 सीटर गाड़ियां है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, 120 किलोमीटर एक बार चार्ज करने के बाद चल सकती है। और अभी तो इनका रूट वगैरह जो है कोई फिक्स नहीं हुआ है, पासिंग के बाद ही इनको मतलब रोड पर चलाया जाएगा। ये गाड़ी जो थी वो 10 दिन पहले आई थी, दूसरी थी 4 दिन पहले आई है, महिंद्रा मेक है, शिमला ऑटो वगैरह सेम है, दो गाड़ियाँ आई हैं। इन्हें दो ड्राइवर जो है उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमें तो इन्हीं ड्राइवरों में से चलेंगे, कोई विशेष ड्राइवर नहीं होगा, लेकिन दो ड्राइवर जो है ना वो विशेष ही रखने पड़ेंगे हमें। तो लोकली चलेगी ये, जैसे NIT है, अनु है, बड़ू तक है, मतलब इतने ही लोकल में चलेगी ये टैक्सी टाइप में।